यहाँ पर बैठे हुए हमारे आरपीआई कवाड़ेगढ़ के नेता जो हमारे दलित और मुस्लिम समाज की हमेशा आवाज बुलंद करते रहते हैं, ऐसे गुंदर कवाड़े जी, माजी मंत्री अनीस अहमद साहब, सत्तार भाई, सभी यहाँ के हमारे मकसूद भाई, सभी यहाँ पे, वक्त कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। स्टेज पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई के सभी लीडर्स, सामने बैठे हुए हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई और बहनों, हमसे पहले सभी ने आज के हालात के ऊपर बहुत सारी बातें यहां पर की हैं। मैं सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन आजादी के बाद का सबसे अहम इलेक्शन ये होने जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन में हिंदुस्तान की आवाम ये तय करेगी कि हमें फिरका परस्त ताकतों को के खिलाफ वोट देना है या उसके हक में वोट देना है। पिछले 5 साल से मुसलसल जिन लोगों ने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ ले लिया, विकास किसी का नहीं हुआ बल्कि पूरे मुल्क का सत्यानाश करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज महंगाई की हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, यह हमारा इल्जाम नहीं है, यह हमारा डाटा नहीं है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसने कहा है कि हिंदुस्तान में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ी है, महंगाई 5 साल में कई गुना आगे बढ़ गई है। मैं आज आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे हजरत मौलाना उबैदुल्ला खां आजमी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप सारे लोग जोरदार तरीके से उनका खैर मकदम करें, क्योंकि ये वो शख्स हैं, ये वो हमारे आलम दीन हैं, ये वो हमारे कायद हैं, जिन्होंने शाहबानों के मामले पर पूरे हिंदुस्तान में शरीयत में मदाखलत करने वाले हुकुम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का काम उबैदुल्ला खां साहब ने किया था। मैं सबकी तरफ से, अशोक चौहान साहब की तरफ से, पूरे स्टेज पे बैठे हुए लीडरों की तरफ से और आप सब नांदेड़ की आवाम की तरफ से, उबैदुल्ला खां आजमी साहब जो साबिक एमपी हैं, मैं उनका यहां पर खैर मकदम करता हूं। मैं आप लोग तशरीफ रखें, मैं महंगाई की बात कर रहा था, बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। हमारी खवातीन माँ और बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा तादाद में हमारी बहनें यहां पर निकल के आई हैं, और जब मुसलमानों की खवातीन माँ और बहनें रास्ते पर उतर जाए तो समझ लो कयामत बरपा होने वाला है। ये हमारी बहनों की एक तादाद बता रही है कि 23 परसों यहां के होने वाले इलेक्शन में और 23 मई को जब गिनती होगी पूरे हिंदुस्तान की वोटों की, तो फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम उस दिन होगा और वो फैसला बताएगा कि मोदी सरकार इस मुल्क से अब जा रही है, खत्म हो गई कहानी। ये 23 मई का जब वोटों की गिनती होगी तो फैसला होगा। आज सबका साथ सबका विकास के नाम पर, चाहे हमारे दलित भाई हो,
हमारे अकलियत के मुस्लिम भाई हो, चाहे दूसरी बिरादरी के लोग हो, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क को एक बेहतर आईन दिया था, कानून दिया था, संविधान दिया था, जिस संविधान के दायरे में इस मुल्क के रहने वाले सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों को पूरी आजादी दी है, उस आईन को बदलने की कोशिश हो रही है, बदलने की साजिश की जा रही है। यहां तक आगे बढ़ गए कि शरीयत मोहम्मदिया में हमारी बहनों को इंसाफ देने के नाम पर शरीयत में मदाखलत करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने जुटा ली और मोदी सरकार ने उस पे पार्लियामेंट में बिल बना दिया। बहनों को इंसाफ देने के नाम पर हमारे नौजवान और हमारे भाइयों को क्रिमिनल केस के तहत गिरफ्तारी करने का, अरेस्ट करने का, जेलों में बंद रखने के लिए पूरी तरह से कायदा और कानून बनाने का मंसूबा बनाया। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, मुबारकबाद देना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद साहब को और कांग्रेस पार्टी के सभी एमपी को, कपिल सिब्बल को, आनंद शर्मा जी को, जिन्होंने बहुमत की अक्सरियत की बुनियाद पर जो लोकसभा में ट्रिपल तलाक के नाम पर जो बिल में मदाखलत करने वाला बिल मोदी सरकार ने लाया था, राज्य सरकार में, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उस बिल को वापस करवाया और उस बिल को गिरा दिया और वो बिल पास नहीं हो पाया। हमारी शरीयत महफूज रही, तहफूज रही। मैं कहना चाहता हूं ताकयामत तक शरीयत मोहम्मदिया में दुनिया का कोई भी हुक्मरान शरीयत में मदाखलत नहीं कर सकता। जो हमारी शरीयत मोहम्मदिया बन गई वो ताकयामत तक कायम रहेगी, ये हम सब लोगों का ईमान है और मानना है। मैं आज जो एक तरफ हम सारे लोग फिरका परस ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आप बैठो प्लीज एक तरफ फिरका परस ताकतों से लड़ाई लड़ने का काम महाराष्ट्र में अशोक चौहान साहब और हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, दिल्ली से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। मुझे कहने में ये फक्र होता है कि इस मुल्क की आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर अगर कोई बात कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है फिरका परस्त ताकतों से, मोदी सरकार के करप्शन से, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, आजकल नई एक अगाड़ी बन गई है कवाड़े साहब, वंचित अगाड़ी। आता है वंचित अगाड़ी का मकसद काय आहे, मतलब काय आहे, मला काही कळतच नाही। ये वंचित अगाड़ी के नाम पे लोगों को वंचित करना चाहते हैं, फिरका परस्त ताकतों को, सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत देना चाहते हैं वोटों का बंटवारा करके। अशोक चौहान जी ने कहा था कि आइए साथ में लड़िए, हम आपको भी हिस्सेदारी देंगे। प्रकाश अंबेडकर जी को 6 लोकसभा सीट दी जा रही थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, अब तो हमको 6 नहीं 22 सीट चाहिए, 22 सीट मुतालबा करने वाले। इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते, पर्दे के पीछे किसी और से हमारा सौदा हो गया है, इसलिए हम सब जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वोटों का बंटवारा करेंगे और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को हम ताकत पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह के मंसूबा रखने वाले लोग, और आज हैदराबाद से हमारे ओवैसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब से मैं कहना चाहूंगा, क्या आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहते हैं? क्या सच में आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर आपको फिरका परस्त ताकतों को, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी सरकार जो आरएसएस के मंसूबे पे, आरएसएस के ख्याल पे चल रही है, इस सरकार को शिकस्त आप करना चाहते हैं तो मराठवाड़ा में, नांदेड़ में, औरंगाबाद में, सब जगह उम्मीदवार को खिलाफ, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा करके वहां पर वोटों का तकसीम करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? इनको समझना चाहिए कि ऐसी नाजुक घड़ी में जो हालात है मुल्क के,
आज इस मुल्क का एक एक हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है कि 5 साल तक इस मुल्क को धोखा देने वाली मोदी सरकार को किसी भी कीमत से यहां से जड़ से उखाड़ फेंका जाए और उसको उखाड़ फेंकने की लड़ाई इस मुल्क में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अशोक चव्हाण साहब आपके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसे मर्द आहीन को, ऐसे सेकुलर लीडर को आपको मजबूत करने का काम करना है। आपने हमेशा, मुझे याद है पिछले महानगर पालिका के चुनाव में मैं आया था, ओवैसी साहब बहुत घूमे थे, लोग हमारे नौजवान सुनने तो जाते थे लेकिन वोट वाले दिन हमारे नौजवानों को ने भी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं नांदेड़ के मुस्लिम नौजवानों को जिन्होंने बहुत ही बेहतर फैसला लिया और मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवारों की जमानत जब्त किया और कांग्रेस के 80% से ज्यादा उम्मीदवार को नांदेड़ महानगर पालिका में आपने चुनकर भेजा। वही चीज करने का काम आपको परसों करना है। चुनाव यहां का खत्म हो रहा है, आज आखिरी मीटिंग है, इसके बाद हम लोग, मुझे जालना और औरंगाबाद जाना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आपसे जाते जाते इतनी ही अपील करूंगा कि 5 परसों के दिन यानी कि 18 तारीख को आप सारे लोग मजबूती के साथ नांदेड़ का रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और खास करके आप सारे लोग मिलजुल कर एक एक वोट अशोक चव्हाण जैसे कायद को, अशोक चव्हाण जैसे एक सेकुलर लीडर को मजबूती के साथ वोट करें ताकि 23 तारीख को जब गिनती हो तो नांदेड़ की लोकसभा सीट अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में सबसे भारी वोटों से चुनके जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि अशोक चव्हाण जी की छाती दुगनी हो, हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े और मजबूती के साथ आपको हक और इंसाफ दिलाने की वो लड़ाई लड़ सके, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप सबको, खास करके अपनी खवातीन माँ और बहनों को और अपने नौजवान और अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सारे लोग आज यहां पर हजारों की तादाद में आप यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चव्हाण साहब को दुआ देने के लिए आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।